Hi guys, it's me Muni Bar and welcome to my YouTube channel. ये वाला जो व्लॉग है ये एज यूजुअल हमारा ट्रैवल व्लॉग है बिकॉज ट्रैवलिंग हमारी इतनी होती है कि बस हर दो तीन महीने में कहीं ना कहीं जा ही रहते हैं. सो फाइनली वी आर गोइंग टू अबू धाबी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. दुबई में बहुत दफ़ा गया हूँ लेकिन अबू धाबी जाने का कभी इतफाक नहीं हुआ. तो पहली दफ़ा जा रहे हैं, एमन भी साथ है, अमल भी साथ है एंड अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट करना है भाई ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएई आएं. एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय अबू धाबी गवर्नमेंट ताकि लोग टूरिज़्म बढ़े, इकोनॉमी बूस्ट करें. हमें भी करना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टूरिज़्म बहुत वीक है. सो या हम अभी रेडी हैं जाने के लिए और एक घंटा रह गया हमारी फ़्लाइट में और अभी हम जा रहे हैं लाउंज में कुछ खाने पीने के लिए. खाने पीने के बाद बैठेंगे फ़्लाइट में और डायरेक्ट जाएंगे दुबई फिर अबू धाबी. Stay tuned. ये हमारी मैम जो है बिजी हैं एज यूजुअल अपने कार्टून्स देखने में. इतना ये डियाना और रोमा देखते हैं बच्चे, मेरा दिल करता है मैं एक और यूट्यूब चैनल बनाऊं डियाना और रोमा की तरह. बहुत खुश आएंगे उस पर. एमन खान एज यूजुअल माय ट्रैवल पार्टनर माय आप भी जस्ट रेडी फॉर अ फ्लाइट. एक घंटा है तो स्टे ट्यून्ड. एज़ यूजुअल अपने चिकन चीज़ सैम, ये तुम क्या लाल किला में आई हो कि बुफे थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पे? तुम तो ऐसे जहाज में भी है सैम, आगे भी है सैम, आगे भी है. जी तो एमन कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ एज अ ट्रैवल पार्टनर? आजकल तो वैसे ही मेरा शूट क्योंकि गाइस खत्म हुई है किस्मत की. ओके मैं आपको बताता हूँ, किस्मत की जो शूट है वो ख़त्म हुई हुई है और अभी इन दिनों में मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ. सो जब भी मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था तो मैं प्रॉपर खा रहा होता हूँ. खाना आपको नजर आता है और ये देखिए खाने से याद आए इसने अभी एक बर्गर, एक चीज़ सैंडविच और एक चिकन टिक्के की प्लेट भी ऑर्डर की है जो कि पता नहीं पर्स में डाल के लेके जाएगी. मुझे समझ में नहीं आ रहा फ्लाइट की कॉल आ गई. पर्स कहाँ है तुम्हारा? नीचे चेक करेंगे जाने से पहले, कुछ डाला तो नहीं? ये मेरी बेटी का सबसे फेवरेट काम, सोशलाइजिंग जस्ट लाइक हर डैड. शी सो सोशल. अमल आर यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स? यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स? Oh. 7K. 7F, 7J, 7K. Amal, this is not your seat. Come here. Come. Come. A good mommy. A good mommy is working for her. Oh. Making milk for this chutu. Yes. Why are you shouting? Open. Open? Okay, you wanna open it? Press this button. Wait. Press this button. Okay, press this again. Open. Wow. Nice. Like it? Okay, guys. So finally, we have arrived in Dubai, and it's like 5 AM in the morning. और बस हालत बहुत अजीब सी है. एंड वी आर वेटिंग फॉर द लगेज. सब कुछ आ गया, बस एक बैग जो मेरी बेगम का था वो अटका हुआ है अभी तक. वो अभी तक नहीं आया है. आई थिंक वी शुड लीव इट एंड वी शुड गो. नहीं डेंजरस. पहली दफा मेरा नाम लिखा हुआ टर्की में, एमन का नाम लिखा हुआ था. वेलकम एमन खान तो बोलते, देखा मेरा नाम लिखा हुआ. सी Okay guys, so finally we have arrived at our hotel. Ritz Carlton. हम पहली दफा दुबई आए हैं और बहुत मजा आ रहा है. दिल गार्डन गार्डन हो रहा है. अमल इज स्लीपिंग. अच्छे अब्बू. Good daddy. Daddy's on duty. अच्छे अब्बू. Yes, brother. जी, so अपनी आदत के एंड मुताबिक फर्स्ट डे है एंड
जब भी मैं किसी भी होटल में स्टे करता हूँ या कभी भी ट्रैवल करता हूँ सो मैं जिम ज़रूर जाता हूँ एंड इस होटल का जिम जो है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अपडेटेड है. मैट्रिक्स की मशीन लगी हुई हैं. वेट आई शो यू गाइस. सो जो लोग थोड़ा फिटनेस को समझते हैं और जो जिम वगैरह करते हैं उनको पता है कि मैट्रिक्स की जो मशीन्स होती हैं ये सबसे अपडेटेड हैं और हाइड्रोलिक हैं. सो सारी मैट्रिक्स की मशीन्स लगी हुई हैं एंड इट्स अ गुड जिम. इट्स वेरी वेरी बिग. सो या जस्ट एज अ स्टार्ट वर्किंग आउट मोटे हो गए. हाइट ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन. Okay, so finally done with the day. It's a good workout, very good machines. Maza aaya. Now let's go for a swim. Amal, are you excited? मम्मा यू ट्रिक योर डॉटर. जी गाइस, बेसिकली हुआ ये है कि हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि आज हमने जाना था दुबई एक्सपो. हिम्मत ही नहीं थी जाने की सो हम नहीं गए. हमने वो प्लान जो है वो अब कल पे शिफ्ट कर दिया है. सो आज हमने थोड़ा सा होटल ही इंजॉय किया. ये होटल बहुत फिट है. वी आर स्टेइंग इन रिट्ज़ कार्ल्टन एंड आई एम वी स्टेइंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार. एंड स्विमिंग की खाना खाने के लिए जा रहे हैं. सो आई से ट्यून. भाई क्या बात है. खुल गया एसी? नहीं खुला? खुल गया यार. आप लोगों को रोल्स वॉइस का एसी खोलना नहीं आता यार. खाना एसी ऑन करने नहीं आता है. कैमरी में बिठा देते हैं इनको. हम लोग चलते हैं. चलो भाई बंद. कैसे होगा जब आप दबाएंगे? वैसे इसको दबाएंगे. अरे वाह. अरे वाह. वादे के साथ ही हम आ गए हैं मॉल. बिकॉज इस दफा तो मैं बिल्कुल घर से कपड़े रख के ही नहीं लाया. अब मैंने यही सोचा है कि जो भी हाँ नहीं ले नहीं इस दफा दिल खोल के, क्योंकि जो नया ड्रामा अभी मैंने साइन किया है उसमें जो हमारी प्रोडक्शन है जो हमारी नाम से करता हूँ सना शाहनवाज का मैंने नया ड्रामा साइन किया है. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने खास तौर पर नए ड्रामे के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आने और बहुत अच्छे वाले. तो इस दफा का टारगेट है कि बहुत बहुत शॉपिंग करनी है लेकिन वो मैं लास्ट डे करूंगा. आज सिर्फ कुछ कपड़े लेंगे जो बस इस ट्रिप में पहनने. हर रेस्टोरेंट पर जाके दूसरे रेस्टोरेंट का पता पूछ रहा है. कोई कौन बताएगा आपको? सब बोल रहे हैं हमें नहीं पता. पता सबको होगा. इनको फर्जी कैफे है या वाकई हकीकी हकीकत में भी है या सिर्फ फर्जी है? बन गई आपकी टिकटॉक? दुबई आए और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आज से ही हमारा नया बच्चा. बेटा दूध पी लिया आपने? लायन इन द वाटर. डन विद द शॉपिंग. कहाँ है हमारी सिविक? कहाँ है ये रही हमारी सिविक? चलो यार लेट्स सेट. Hey guys, so आज है हमारा second day probably और हम आए हैं लंच करने के लिए. इत्तफाकन मौसम बहुत अच्छा है. दो तीन दिन पहले यहाँ पे काफी गर्मी थी लेकिन अब मौसम बहुत खुशगवार है. सो हम आए हैं यहाँ आउटडोर डाइनिंग करने के लिए और अमल की मस्त. हाँ चलते हैं लेट्स सी. ऊपर से होटल से ही नजर आ रहा था. लग तो बहुत अच्छा रहा था रेस्टोरेंट. अब चल के देखते हैं कि क्या सीन है सर. पार्क में वॉक करने आए आपके साथ चांद नवाब. अरे काके लगा लो. दुबई में आके तो लगता है कि हम गरीब तरीन लोग हैं. हमारे 60 दिरहम का अंडा ये
सात दिरहम पाकिस्तानी कितने में भाई? तकरीबन 3,000 रुपए, 3,000 में छह मुर्गियां आ जाती है। Okay, so our next station is address. My apartment. Call for pizza. लास्ट टाइम जब हम दुबई आए थे तो हम वो सामने वाली ब्राउन वाली बिल्डिंग में रुके थे। अच्छा, हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि दुबई मॉल से हम जो है वो अपना जो भी हम जहाँ पे भी स्टे करें वो दुबई मॉल से क्लोज हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। क्योंकि दुबई के अंदर ट्रैफिक ऐसा होता है कि अगर आप कहीं दुबई मॉल से दूर हैं या आना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रैफिक में ही आपका आधा टाइम निकल जाता है। तो हम यूजुअली यहाँ रहते हैं, एड्रेस मॉल में रहते हैं, एड्रेस बुलेवर्ड पे रहते हैं। खूबसूरत मार्ट है, दिल कर रहा है सभी ले लूं थोड़ा थोड़ा। वैसे लेने हम पानी आए थे वही बोल गए। सजाद भाई, आप सबको कहते रहते हैं ना अपने शो में कि मुनीब के हाल बहुत बड़े। ये देखें, ये फायदा होता है कि बाहर जब आपके पास कोई बंदा नहीं होता ना सामान उठाने वाला तो खुद उठाना पड़ता है। उठाओ भाई, होटल कितना दूर है? और नेक्स्ट बिल्डिंग, अभी और नेक्स्ट बिल्डिंग। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? हां, व्हाट यू डू फॉर लिविंग? एक्स कॉप फ्रॉम पाकिस्तान। सॉरी, व्हाट फॉर यू? चलो शुक्र, चल भाई बेगम को भेज दिया, अब आजादी आजादी है। लेट्स गो बॉयज, let's have some fun.